अथ पंच पंचाशत्तमो अध्याय भगवान कृष्ण तथा बाणासुर का संग्राम। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं को काटा जाना, सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना, बाण का गर्व अपहरण, श्री कृष्ण और बाणासुर की मित्रता, उषा अनिरुद्ध को लेकर श्री कृष्ण का द्वारका आना। व्यास उवाच। कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमोस्तुते अद्योतेयं कथा तात श्रावितामे स्वयमुने। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, हे सनत कुमार, आपको नमस्कार है। हे मुने, हे तात, आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई। जिम्भृते जिम्भृणाश्रेण हरिणा समुरे हरे हते बाण बले बाण काशिश्च। श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध में जिम्भरास्त्र से शिव जी के मोहित किए जाने पर तथा बाण की सेना के मार दिए जाने पर ब्राह्मण बाणासुर ने क्या किया उसको कहिए। सूत उवाच। इत्याकर्ण्य वचस्तस्य व्यासस्यामित तेजसः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा ब्रह्मपुत्र मुनीश्वरः। सूत जी बोले, अमित तेजस्वी उस व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र मुनीश्वर सनत कुमार प्रसन्नचित होकर कहने लगे। सनत कुमार वाच। श्रेणु व्यास महाप्राज्ञ कथां च परमाद्भुतां कृष्ण शंकर योस्तात लोकलीलानुसारिणं। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास जी, हे तात, लोकलीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण तथा शिव जी की अद्भुत तथा सुंदर कथा का श्रवण कीजिए। चैतलीलयारुद्र तपुत्र सकले सती बाणो विनिर्गतो युद्धं कर्तुं कृष्ण दैत्यराट। पुत्रों तथा गणों सहित लीला से शिव जी के सो जाने पर वह दैत्यराज बाणासुर कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कुंभांड संहिताश्व नाना शस्त्रास्त्रधिक्ततः चकार युद्ध मतुलम् बलिपुत्र महाबलः। कुंभांड से घोड़ा लेकर वह महाबली दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण कर अतुलनीय युद्ध करने लगा। दृष्ट्वानि फलं नष्टं तदतीन्द्रोत्यमर्षितः चकार युद्ध मतुर बलिपुत्र महाबलः। उस महाबली दैत्येंद्र बाणासुर ने अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोधित हो घोर युद्ध किया। कृष्णो की महावीर गिरीशाप्त महाबलः उच्च जगज तत्राज बाणमत्वत्रिणोपमम्। उस संग्राम में शिव जी से महान बल पाकर महावीर श्री कृष्ण ने बाणासुर को तिनके के समान मानकर बड़े जोर से गर्जन किया। धनुष्टं करिष्यामास चांगाख्यं निजमद्भुतं तासयन् बाणसैन्यं तदवशिष्टं मुनीश्वरः। हे मुनीश्वर, बाणासुर की शेष बची हुई सेना को भयभीत करते हुए वे अपने अद्भुत चांग नामक धनुष की झंकार करने लगे। तेन नादे न महता धनुष्टं करतेन हि यावा भूम्योरन्तरं व्याप्तमस्यिदंतरम्। धनुष की झंकार से उत्पन्न हुए उस तीव्र नाद से भूमि और आकाश का मध्य भाग समव्याप्त हो गया। विक्षेप विविधान बाण बाणाय कुपितो हरि कणं तं तद् प्रेष्यात् इक्षणाशि विशोकुमान। उसी समय श्री कृष्ण ने क्रोधित हो उस धनुष को कान तक खींचकर बाणासुर के ऊपर सर्पों के समान विषैले अनेक तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा। आयातस्तान निरीक्षात तबाणो बलिनंदन अप्राप्तानेव वीक्षेद दशरह स्वधनुषितः।
बलिपुत्र बाणासुर ने उन बाणों को आता हुआ देखकर अपने धनुष से निकले हुए बाणों से उन्हें अपने तक पहुंचने से पहले बीच में ही काट दिया। शत्रु को विनष्ट करने वाला वह दैत्यराज बाण पुनः गर्जना करने लगा। तब वहां संपूर्ण यादव भयभीत हो गए और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। उसके बाद बलि के पुत्र महान अहंकारी बाण ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके अतिशूर श्री कृष्ण के ऊपर अपने बाण छोड़े। तब महादैत्यों के शत्रु श्री कृष्ण ने भी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपने बाणों से उन बाणों को दूर से शीघ्र ही काट दिया। रामदयो वैश्यश्च स्वं स्वं यो धर्मावे नैजग्नोर् बलिनः सर्वे हित्वा क्रोधं समकुलः। तब संग्राम में आकुल बलराम आदि सभी बलि यादवों ने क्रोध करके अपने अपने प्रतियोद्धा को मारा। एतम चिरतरं तत्र बलिनोश्च द्वर्योरपि भगवतो मूलं युद्धं भवतां विस्मयावहम्। इस प्रकार वहाँ उन दोनों बलि पुरुषों का बहुत समय तक भयानक युद्ध हुआ जो सुनने वालों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। तस्मिन्नवसरे तत्र क्रोधं कृत्वति पक्षिराट् बाणासुरबलं सर्व पक्षाघातर्मर्दयत्। संग्राम में उस समय गरुड़ जी ने अति क्रोध करके अपने पंखों के प्रहारों से बाणासुर की सब सेना को चूर चूर कर दिया। मर्दितं स्वबलं दृष्ट्वा मर्दयन्तं च तं बलि चुकुपति बलिः पुत्र शैवराड्यति जेश्वरः कृत्वा शिव पदां भोजं सहस्रभुजवान्त्रुतं महत्पराक्रम चक्रवर्णं दुःसहं सवे। तब अपनी सेना का मर्दन करने वाले गरुड़ को तथा अपनी सेना को मर्दित देखकर शैवों में श्रेष्ठ बलवान उस दैत्य ने उनके ऊपर अति क्रोध किया और हजार भुजा वाले उस दैत्य ने शीघ्र ही महादेव के चरणबिंदों का स्मरण करके शत्रुओं के लिए असह्य महान पराक्रम प्रदर्शित किया। वहाँ वीरों को नष्ट करने वाले उस दैत्य ने एक साथ श्री कृष्णादि समस्त यादवों पर और गरुड़ के ऊपर अलग अलग अनेक बाणों से प्रहार किया। जघन केन करुण कृष्ण में केन तत्रिणा बल में केन चमूने परन पीता था बलि। हे मुने बलवान उस दैत्य ने एक बाण से गरुड़ को एक बाण से श्री कृष्ण को एक से बलराम को और एक से अन्य लोगों को मारा। ततः कृष्ण महावीर विष्णु रूप दुरारिहा चुकुपति रणे तस्मै जगर्जच महेश्वरः जगान बाणं तरस शङ्खने सृज साक्षरः शंकर। उस समय बड़े पराक्रमी विष्णु के अवतार रूप तथा दैत्यों का नाश करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण उस युद्ध में अत्यधिक कुपित हुए और गरजने लगे तथा शिव जी का स्मरण कर अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से अति उग्र पराक्रम वाले उसके सैनिकों तथा उस दैत्य बाणासुर पर उन्होंने एक साथ प्रहार किया। निश्चित होकर श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके धनुष छत्र आदि को काट दिया और उसके घुणों को मारकर गिरा दिया। बाणों पे च महावीर जगर जाति प्रत्युप्यः कृष्ण जघान गदाय सुपद धरणी फले। महावीर बाणासुर ने अति क्रोध हो गर्जन किया और अपनी गदा से श्री कृष्ण पर प्रहार किया जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उत्थायारं ततः कृष्ण युयुधेतेन शत्रुणा शिव भक्तेन देवर्षे दुःखनीलानु
सारतः। हे देवर्षि, तब श्री कृष्ण लोक में लीला करने के कारण शीघ्र ही भूमि से उठकर शिव भक्त और शत्रु के साथ युद्ध करने लगे। एवं द्वयो श्रीरं कालं बभूवासु महान् तृणः शिवरूपो हरिः कृष्णः तच्च श्रोतमो बलिः। इस प्रकार उन दोनों में बहुत समय तक घोर संग्राम होता रहा। भगवान श्री कृष्ण शिव रूप थे तथा वह बलि बाणासुर शिव जी के भक्तों में श्रेष्ठ था। कृष्णोथ कृत्वा समरं चिरं बाणेन वीर्यवान् शिवाज्ञया प्राप्त बाल चुपपाति मुनीश्वर। हे मुनीश्वर, पराक्रमशाली श्री कृष्ण बहुत देर तक बाणासुर के साथ युद्ध कर पुनः शिव जी की आज्ञा से बल प्राप्त कर अत्यंत क्रोधित हो उठे। तत सुदर्शने आशु कृष्णो बाण भुजान बहुन शिक्षित भगवान शंभु तदनंतर शत्रु वीरों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की आज्ञा से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से बाणासुर की बहुत सी भुजाओं को काट दिया। अवशिष्ट भुजस्तस्य चत्वारोतिव सुन्दरः गतव्यथो बभूवासु शंकरस्य प्रसादतः। उस समय उसकी चार भुजाएं शेष रह गईं और शिव जी के अनुग्रह से शीघ्र ही व्यथा रहित हो गया। जिस समय बाणासुर शिव जी के स्मरण से हीन हुआ उस समय वीरता को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काटने को उद्यत हुए तब भगवान सदाशिव उनके सामने खड़े हो गए। रुद्र उवाच। भगवन् देवकी पुत्र यदा ज्ञप्तं मया पुरा तत्कृतं च त्वया विश्व मदाज्ञाकारिणा सदा। रुद्र बोले, हे भगवान, हे देव की पुत्र, हे विष्णु, मैंने जो पहले आपको आज्ञा दी थी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले आपने वैसा ही किया। बाणस्य शिरश्चिन्धि संहरस्व सुदर्शनम् मदज्ञया चक्रमेव मोमोघम् अजने सदा। अब आप बाणासुर के सिर को मत काटिए, मेरी आज्ञा से अपने सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए क्योंकि मेरे भक्त के ऊपर सदा यह चक्र निष्फल होगा। गतमया पुरातुभ्य मणिवार्यं ऋणे तव चक्रं जयं च गोविन्द निवर्तस्वरणात्ततः। हे गोविंद, संग्राम में मैंने आपको यह अनिवार्य सुदर्शन चक्र दिया है, इसलिए इस विजय चक्र को युद्ध भूमि से लौटा लीजिए। दधीचे रवणे वीर तारकादि पुरेष्वपि विनमद्याज्ञां लक्ष्मीश प्रथमं नमुचः पुरा भवति योगीश्वरः साक्षात् परमात्मजनार्दन विचार्य तं स्वमनसः सर्वभूत हिते रतः परमस्य मया दत्तं न मृत्युर्भयमस्ति वै तमे वाच सदा सत्यं परितुष्टो स्नेहं तव। हे लक्ष्मीश, पहले भी आपने यह सुदर्शन चक्र दधीचि वीर रावण तथा तारक आदि के ऊपर मेरी आज्ञा के बिना नहीं चलाया। आप तो योगेश्वर साक्षात परमात्मा जनार्दन तथा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं, इसका अपने मन में विचार कीजिए। मैंने इसे यह वर दिया है कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अतः मेरा यह वचन सदा सत्य होगा, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। हे हरे, पहले यह अपनी भुजाओं को खुजलाकर अपनी गति को भूल गया और गर्वित तथा उन्मत्त होकर इसने मुझसे युद्ध का वर मांगा। तब मैंने इसे शाप दिया, थोड़े ही समय में तुम्हारी भुजाओं को काटने वाला आएगा और तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। मदज्ञया हरिः प्राप्तो भुजक्षेत्रत्वात् वै निर्वर्तस्वरणाद् गच्छ स्वगृहं सवधूवरः।
वे बाण से बोले, मेरी आज्ञा से तुम्हारी भुजाओं को काटने वाले भगवान श्री कृष्ण आ गए और इसीलिए अब तुम संग्राम से लौट जाओ। और श्री कृष्ण से कहा, वधू और वर के साथ आप अपने स्थान को चले जाओ। इत्युक्तः सतयोर् मैत्री कारयित्वा महेश्वरः तमनुज्ञप्य सागर सपुत्रः स्वलयं ययो। ऐसा कहकर शिव जी उन दोनों में मित्रता कराकर उनको आज्ञा देकर करुण तथा पुत्रों सहित अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार उवाच। इत्याकर्ण वचः शम्भो तं कृत्य च सुदर्शनम् अक्षतांगस्तु वीरय तत्कृष्णोऽन्तः पुरं जयो अनिरुद्धं समाश्वास्य तहितं भर्यया पुनः जग्रह रत्न संघातं बाणदत्तम् अनेकशः तत्सखीं चित्रलेखां च गृहीत्वा परयोगिनी प्रसन्नोऽभूत्तः कृष्णकृतकार्यः शिवक्रियया। सनत कुमार बोले, इस प्रकार भगवान शिव जी का वचन सुनकर अपने सुदर्शन चक्र को लौटाकर अक्षय शरीर वाले विजयी श्री कृष्ण ने अंतःपुर में प्रवेश किया। भार्या सहित अनिरुद्ध को आश्वासन देकर उन्होंने बाणासुर के द्वारा प्रदान किए गए अनेक रत्न समुदाय को स्वीकार किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को लेकर शिव जी की आज्ञा से कृतकृत श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। परिवार समेतस्तु जगम स्वापुरीं हरिः पथि जित्वा च वरुणं विरुद्धं तमनेकधा पारुकां च पुरीं प्राप्त तमुत्सव समन्वितः विसर्जयित्वा गरुणं सखीं दिक्षुपहस्य च द्वारकायां ततो गत्वा कामचारी। इसके बाद श्री कृष्ण हृदय से शिव जी को प्रणाम कर बड़ी पुत्र बाणासुर से विदा होकर कुटुंब सहित अपने नगर को चले गए। मार्ग में प्रतिकूल हुए वरुण को अनेक प्रकार से जीत कर वे आनंदित होकर द्वारकापुरी में आए। इसके बाद वरुण जी को विसर्जित कर अपने मित्रों को देखकर तथा उनसे हास परिहास करते हुए द्वारका में पहुंचकर इच्छा अनुसार विचरण करने लगे। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम युद्ध संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे बाण भोज कृंतन गर्वापहार वर्णन नाम पंचा पंच छत्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के पंचम युद्ध खंड में बाण भोज कृंतन गर्वापहार वर्णन नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।